आई। इसके बाद भागवत जी में कथा आती है। भगवान मथुरा की राज्य सत्ता को सौंप करके उग्रसेन को अपने मां बाप को जेल खाने से मुक्त करा करके अपना यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार करा करके भगवान चले गए शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए परीक्षित। काशी के सांदीपन गुरु जी उज्जैन में रहते थे। भगवान ने गुरु के पास जाकर के 64 कलाएं वेद वेदांग धनुर्विद्या शस्त्र विद्या वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या सबको पढ़ा महाराज। इसका मतलब यह है भगवान का गुरु के पास जाना इस संसार में गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान गुरु के यहां गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं और सुन ही राम यद्यपि सब जाना है। सांदीपनि गुरु के यहां आए भगवान जो समस्त वेदों के शास्त्रों के प्रवर्तक हैं वो पढ़ने के लिए आया है परीक्षित। देख रहे हो और मैं अपने साधकों भक्तों से कहना चाहता हूं जिंदगी में एक गुरु जरूर रखो जिसके बताए हुए रास्ते पर चल करके भगवत भक्ति करके भगवान को आप प्राप्त कर सके। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन फिर अंधकारमय होता है। एक अपना पथ पाथे बना लो, हनुमान चालीसा को गुरु बना लो, गीता को गुरु मान लेना, भागवत को मान लेना, रामायण को मान लेना, या ऐसा गुरु हो जो स्रोत शास्त्र विद्या में निष्णात हो। भगवान गुरु की महिमा बढ़ा रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर लिया गुरुदेव के यहां, सुदामा से मित्रता भी हुई। और जब शिक्षा ग्रहण करके भगवान चले तो गुरु जी से पूछा गुरुदेव दक्षिणा क्या दे दूं। सांदीपनि गुरुदेव की आंखें भर आई, कहा बेटा तुम्हें आप जैसे जिसको शिष्य मिल जाए उसको संसार में दक्षिणा लेने की जरूरत क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए। गोविंद रो पड़ी भगवान, कहा गुरुदेव जब तक दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक विद्या फलीभूत कैसे होगी। तो कहा अपनी मां से पूछ लो। गुरु पत्नी से जब पूछा तो वो रो पड़ी। कहा उन्होंने कहा बेटा मेरा एक लड़का इसी समुद्र में डूब करके मर गया है और मेरे उसी बच्चे को जिंदा करके ला करके दे दो का गोविंद, और ये काम मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र ने मना किया। यम के पास गए, उन्होंने कहा इसके प्रारब्ध नहीं ठीक थे, तो कहा जिसके प्रारब्ध को संवारने के लिए ही मुझे आना पड़ा, अभी भी खराब है प्रारब्ध उसका। गुरु के मृत पुत्र को जिंदा करके भगवान ने ला करके गुरुदेव को दक्षिणा में दी और विद्या पढ़ करके गुरु के यहां से भगवान वापस आते हैं। परीक्षित जी बलराम जी गोकुल चले गए और श्री कृष्ण जी चले आए मथुरा। भागवत जी का बड़ा मार्मिक प्रकरण यहां से शुरू होता है। मथुरा में भगवान आए, आज देवकी के मनोभावों को देखा भगवान ने। देवकी भी देवकी मां है गोविंद की। देवकी जी ने ठीक से भोजन बनाया और भोजन लेकर के अपने लाला को खिलाने के लिए गई। मथुरा में कमरे में भगवान बैठे हैं और शिशक शिक्षक करके रो रहे हैं तेज आवाज में। मथुरा
महारानी देवकी ने देखा तो लगा उनके होश उड़ गए। देवकी ने कहा, गोविंद तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें कुछ हुआ है? भगवान कुछ नहीं बोल रहे। माता की आंखों में पानी भराया और वो व्याकुल होकर के बस देव जी से कहती है कि आखिर देखो मेरे लाला को हुआ क्या है। बस देव जी आए लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। बसदेव जी गए, उनके एक मित्र को बुला करके लाए। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैखा दैता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। भगवान के एक बड़े हितैषी मित्र थे, उनका नाम था श्री उद्धव जी। उद्धव को बुला करके लेकर के आए वसुदेव जी और कहा, तुम पूछो गोविंद से क्या हुआ है, इनको क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हैं? जब उद्धव जी भगवान से सवाल करने लगे तो भगवान ने उद्धव जी से बताया कि मैं क्यों रो रहा हूं। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे उन ब्रजबामाओं की बहुत याद आ रही है गोकुल में। मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं उन ब्रजबामाओं से मिलना चाहता हूं। उद्धव जी हंस पड़े, कहा कन्हैया आप बिना उन महिलाओं के लिए रो रहे हो, उन ब्रजबामाओं के लिए रो रहे हो, अरे कुछ तो धैर्य धारण करो और शब्दों पर ध्यान देना। उद्धव ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन प्रेमी नहीं है। ज्ञान होना अलग बात है लेकिन प्रेमी होना ये दूसरी बात है। और ज्ञान के साथ अगर प्रेम हो तो मान लो कि सोने में सुहागा लग गया है और ज्ञान प्रेम के बिना पंगु है, लंगड़ा है, नहीं चल सकता है। आइए विषय पर आइए। हमारा उद्धव जी ने बड़ा बड़ा उपदेश गोविंद को दिया। भगवान और रोए, कहा ये सब कुछ नहीं भाई, हमको ज्ञान मत दीजिए, हमको एक काम आप कर दीजिए, मेरा आप चले जाइए वृंदावन में और गोपियों का और मेरे मित्रों का, मेरी मां का हाल चाल पूछ करके चले आओ, बस इतना काम तो तुम कर सकते हो, मेरे मित्र हो ना। उद्धव जी ने कहा ठीक है चला जाता हूं, लेकिन एक बात है गोविंद। भगवान ने कहा क्या? कहा मैं शाम को लौट आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक। जैसे महाराज अक्रूर जी अपना रथ लेकर के मथुरा से गोकुल के तरफ चले परीक्षित जी, और वो पताका लहरा रही है, जब ये वृंदावन के तरफ आए, गोकुल के तरफ आए तो क्या देखा कि जहां से गोकुल की सीमा शुरू होती है छोटे छोटे बच्चे जो भगवान कृष्ण के मित्र थे 10-11 साल के, वे सब बेचारे ऐसे लाइन लगाए ऐसे बैठे थे। बच्चों ने देखा तो सबकी आंखें भर गई, कहा कि लग रहा है कि आज अपना गोविंद आ गया है। लेकिन जब रथ आकर के रुका, बच्चों ने कहा ये रथ तो गोविंद का है, ये पताका तो गोविंद की है लेकिन गोविंद नहीं है, इस रथ में सब है लेकिन मेरे गोविंद नहीं है। और बच्चे खड़े होकर के और सबका कंठावरोध हो गए, सब रोने लगे। उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान गायब हो गया, वो रथ से नीचे उतर करके आए
और एक बच्चे के सर पर जैसे हाथ रखा, बेटा वो और चिल्ला पड़ा और मुंह से केवल एक आवाज निकलती है कि मेरे गोविंद कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। उद्धव जी ने उस बच्चे को 10-5 मिनट समझाया, दूसरे बच्चे तीसरे बच्चे जब लाइन लगा करके लोग रो रहे हैं तो उद्धव जी पिघल गए। मेरे गोविंद को इतना चाहने वाले लोग पड़े हैं। और एक बात सुन लो, इस संसार में एक काम जरूर करना, आपकी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना हो, आपकी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना हो, बल्कि आपके लिए आंसू भरा रहे, तो यह मान लेना कि आपका जीना इस धरती पर सार्थक है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि आखिर इनको क्या जरूरत है रोने की, लेकिन एक एक बच्चे को समझाते समझाते उद्धव जी को शाम हो गई। जो शाम को लौट आने वाला था उसको शाम वही हो गई। जब शाम हो गई तो उद्धव जी ने बच्चे से कहा, बेटा तुम ये बताओ कि मैं यशोदा से मिलना चाहता हूं, यशोदा जी कहां मिल सकती हैं। वो बच्चा रो पड़ा और उसने कहा, महाराज ये सामने जो पनारा आपको दिखाई देता है ना, एक नदी का, इसके किनारे किनारे आप चले जाइए, जहां ये पानी समाप्त हो जाएगा वही यशोदा जी आपको मिल जाएगी। बच्चे की आंखें छलक गई। उद्धव जी ने कहा, बेटा रो क्यों रहे। अच्छा बेटा ये बताओ, ये पानी जमुना जी की धारा का तो नहीं है। कहा नहीं। कहा और कोई नदी वृंदावन में। कहा कोई नदी नहीं। उद्धव जी ने कहा, ये बताओ बेटा फिर ये पानी कहां से आ रहा है। बच्चा रो पड़ा, मत पूछो कि ये पानी कहां से आ रहा है। उद्धव जी ने कहा कि आखिर इतनी बड़ी क्या परेशानी है। तो कहा, ये नंद और यशोदा रानी के आंखों के आंसू भरे हैं जो तुम भाई देखे थे, तुम देख रहे हो, ये उनके आंसुओं की धारा है, ये उनके आंसुओं की धार है। गोविंद के जाने के बाद वो इतने वियोग में आ गए हैं कि भगवान के बिना उनका जीना हराम हो गया है, वो जी नहीं पा रही है। और यशोदा की दृष्टि चली गई है, उनकी आंखों से अब दिखाई नहीं पड़ता और वो कहीं निकल भी नहीं सकते। इतना कहते कहते बच्चों का मनोभाव और मनोवालिन में सब बरकरार है। आइए थोड़ा भगवत नाम जप करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 गोवि
करते से उदार करते। अंतर पटल रो पड़ा, आज एक ब्रह्म ज्ञानी रो रहा है, आज कोई संसारी नहीं रो रहा है। श्री उद्धव जी महाराज धीरे धीरे चलते हैं और वहां पहुंच गए जहां यशोदा रानी का घर था। नंद जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया उद्धव जी का, शब्दों पर ध्यान देना, भावों पर, बहुत स्वागत सत्कार करके उनका हाथ पांव दबा करके उनको लिटाए परिचित जी। जब रात्रि में 12 बज गए तो बड़े तेज आवाज आई, एक झटके में आवाज आई, हल्ला मत बचाओ, मेरा लाला जाग जाएगा, मत हल्ला मचाओ। उद्धव जी महाराज उठ करके बैठ गए और नंद जी से कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? नंद जी की उद्धव जी के चरणों पर गिर पड़े, महाराज मुझे माफ कर देना, आपको मेरे घर पर तकलीफ हुई, आपकी नींद टूटी महाराज, आप सोने नहीं पाए, मैं बहुत अभागा हूं कि आपकी पूरी तरह से सेवा नहीं कर सकता। उद्धव जी ने कहा, भैया मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि ये आवाज कहां से आ रही है। नंद जी रो पड़े और नंद जी ने कहा, ये आवाज यशोदा रानी की आवाज है महाराज, ये गोविंद के मां की आवाज है। वो जब से चले गए हैं तब से यशोदा सोई नहीं, केवल रोई है अपने जीवन। एक मां की श्रद्धा, एक मां का प्यार रोया है। उद्धव जी बेहबल हो गए और उन्होंने नंद जी से हाथ जोड़ा, क्या मैं यशोदा रानी का दर्शन कर सकता हूं? आज ब्रह्म ज्ञानी जब प्रेम मूर्ति यशोदा जी के सामने पड़ा, सारा ज्ञान गायब हो गया और जाकर के श्री यशोदा रानी के चरणों पर साष्टांग प्रणाम कर, जो शाम तक लौटाने वाला था परीक्षित जी, उसको 5.5 महीने लग गए यशोदा रानी के चरणों में पड़े। लेकिन तब तक वो प्रेम के भाव को उद्धव जी महाराज समझ चुके थे और भैया
जिंदगी में चाहे जितनी किताब पढ़ लेना, चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लेना, वो ज्ञान आपका तब तक शुष्क है जब तक उसमें प्रेम न पड़ा हो। मीरा जी भजन गा रही थी, कुछ विद्वान मिल गए और मीरा से कहा कि तुम अशुद्ध न गाया करो। मीरा जी ने विद्वानों से कहा मैं पढ़ी लिखी तो हूं लेकिन मैं आत्मा से गाती हूं। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जीव का जन्म जन्मांतर का संबंध ईश्वर से हो, अगर वो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है तो उसकी भावना ही पर्याप्त है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान ने खुद कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम केवल प्रेम पिया। आइए विषय पर, साढ़े पांच महीने के बाद जब ज्ञान और प्रेम का तादात बैठा, उद्धव जी ने नंद जी से कहा, गोविंद ने कहा था गोपियों से मिल लेना, गोविंद ने कहा था गोपियों से मिल लेना, क्या आप मुझे बता सकते हैं गोपियां कहां मिलेंगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये गोपियां कहां मिलेंगी? नंद जी ने कहा उद्धव जी, ये जो सामने झाड़ी दिखाई पड़ रही है, आप सुबह वहीं चले जाइए, वहां सब आकर के बैठती है इकट्ठा और भगवान का चिंतन करती है। वो लोग सारी ब्रजमामाओं से मुलाकात वहां पर हो जाए। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, उद्धव जी वहां गए लेकिन उद्धव जी ने क्या किया जानते हो? एक वृक्ष की आड़ में छिप गए उद्धव जी, छिप गए। ललिता, विशाखा, राधा सब बैठी हैं। भागवत में किसी का नाम नहीं लिखा है, किसी गोपी का नाम नहीं आया है। भागवत में तो सिर्फ अनया अपरा कश्चित कहकर के संबोधन है। मैं भागवत से जरा सा हटकर संतों के भाव पर आ रहा हूं। शब्दों को थोड़ा गौर से सुनना आप लोग। श्री उद्धव जी ने गोपियों को देखा और गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि आखिर क्या गलती हो गई कि गोविंद मथुरा से लौट करके गोकुल नहीं आए। तब तक विशाखा जी आ गई। विशाखा ने राधा से कहा, राधे
आज मैंने एक स्वप्न देखा है सखी। कहा क्या देखा है? कहा स्वप्न में तो मैं ये देखी हूं कि रात को गोविंद आए हैं, लाला आए हैं और हमको जगा रहे हैं। राधा जी की आंखें भर आई। राधा ने कहा विशाखा तू इधर आ, मैं तेरा एक बार जरा पांव छू लूं। विशाखा ने कहा आप मेरा पांव छू ले? कहा क्यों? कहा तू कितनी भाग्यशाली है विशाखा, कम से कम रात में कन्हैया तेरे पास तो आए, और मैं तो इतनी अभागन हूं कि उनके जाने के बाद आज तक मैंने स्वप्न भी नहीं देखा है। कहा ऐसा क्यों महाराज? अरे कहा भाई स्वप्न तो वो देखेगा जो रात में गहरी नींद में सोता होगा ना, जो सोता है वही तो स्वप्न देखेगा। और राधा कहती है कि अस्माकं तु गते कृष्णा गता निद्रापि बैरिणी। जब से मेरे गोविंद चले गए तब से मेरी नींद उड़ गई सखी, मैं आज तक सोई नहीं, तुम्हें कहां से देखूं लाला को? राधा जी से सखियों ने पूछा कोई गलती आपने तो नहीं की है जिसके कारण वो लौट कर नहीं आते हैं? सबने अपने आप को टोया, किसी ने कहा मैंने गलती नहीं की, किसी ने कहा मैंने नहीं की, किसी ने कहा मैंने नहीं की। तो राधा जी ने कहा कि एक बार मुझसे गलती हुई। राधा जी एक घटना बताने लगी। राधा जी ने सखियों से कहा कि एक बार मैं नंदन वन में बैठी थी, ये संतों के भाव है, जरा सा भागवत से हटकर बोल रहा हूं। राधा जी ने कहा कि मैं नंदन वन में बैठी थी तब तक भगवान राधा के पास पहुंच गई, और राधा को जब भगवान ने देखा तो राधा ने भगवान ने बड़े धीरे से कहा राधे। राधा ने कहा क्या है? तो गोविंद कहते हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज बहुत सुंदर लग रही है। राधा जी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद गोविंद ने कहा सच में राधा तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो राधा जी ने कहा क्या अच्छा लग रहा है? तो भगवान कहते हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस एक चीज कि बलिहारी तिहारी बड़ी अखिया तिरछी तकिया दृग कोरन की। चलो ठीक है मेरी आंख खराब है लेकिन आपकी आंखों तो बलिहार है। अठिलाई के वोठ मरोड़न की चमकाई के भौ सिकोड़न की। लेकिन राधा रानी ने गोविंद को जवाब दिया कि तुम कैसे हो सुन लो। राधा जी कहती है गोविंद कहू नंद लला तुम हो तिउलली। राधा जी ने कहा कि शुक्र है कि आप पुरुष हैं। कहू नंद लला तुम हो तिउलली तो गला कट जात करोड़न के, तो गला कट जात करोड़न के, तो गला कट जात करोड़न के। राधा रानी ने कहा मैंने एक बार यही धृष्टता की कि उनको जवाब दे दिया था, लेकिन हे गोविंद आओ एक बात समझ में नहीं आती है, क्या रिश्ता है गोविंद से? कोई तो रिश्ता जरूर रहा ही होगा। एक बात है, जन्म जन्मांतर तक जुड़ी रिश्ते हैं हमारे गोविंद से। अगर एक बार मैंने गलती कर दी तो क्या गोविंद को आना नहीं चाहिए? इतनी बड़ी गलती तो मैंने नहीं की है। कवियों ने उदात्त भाव में पंक्तिबद्ध किया है, आइए आनंद लेते हैं थोड़ा सा। कई जन्मों से बुला रही हूं कोई
जरूरी होगा। जय कई जन्मों से दुलार रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। कई जन्मों से दुलार रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। कई जन्मों से दुलार रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूरी तो रिश्ता
संग जोड़े कोई पुकारता जरूर हो तेरे ही हाथे खुदा संग जोड़े कोई पुकारता जरूर हो बलिहारी बोलो बांके बिहारी राज की सांवरिया सेठ की अपने घर तुम रोज बुलाते मेरे घर आना जरूर हो अपने घर तुम रोज बुलाते मेरे घर आना जरूर हो कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई बोली का जरूर हो कई जन्मों से बुला रही आइए श्री उद्धव जी महाराज ये सारी घटनाएं और ब्रज बाबाओं के द्वारा की गई आपस की चर्चा सुन रहे हैं। इतने में गोपियों के पास एक भावरा आ गया, भावरा कुछ गाने लगा। गोपियों ने भावरे को देखा, भागवत में भ्रमर गीत दिए, भ्रमर गीत, गोपी गीत, बेड़ गीत, युगल गीत। गोपियों ने कहा यह भी काला है और कन्हैया भी काले हैं। इन काले लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया है। मधुप कितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या, मत छूना मुझे। उद्धव जी ये भी देख रहे हैं। अंत में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया है। ये निर्गुण और सगुण,
निर्गुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना और सगुण ब्रह्म की उपासना। गोपियों ने वो मजाक उड़ाया, कहा कि निर्गुण कवन देश के वासी, ये निर्गुण होता क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो दीवानी हूं। उन भगवान नंद नंदन बृंदेव नंदन मुरली धर धर सौलभ परिपूर्ण गोपी कांत दामोदर भगवान कारण करुणावरुणाले भक्तवांचा कल्पतरु, जिनकी सत्ता तल तल वितल रसातल त्रातल पाताल भूतल और महालोक को छूती हुई, बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र जिसको पार नहीं पाते, वही मेरा कन्हैया ही मेरे लिए ब्रह्म है, वही निर्गुण है, वही सगुण धारा है। और इस संसार में निर्गुण सगुण के चक्कर में मत पड़िए, वो निराकार ही निराकार है और जो निराकार है वही निराकार है। पानी को अगर हाथ में इसे लिया जाए नहीं आएगा, लेकिन पानी फ्रिज में डाल दिया जाता है तो पत्थर बनकर के हाथ में आ जाएगा, लेकिन फिर गल जाएगा। ऐसे निराकार और साकार एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म निराकार साकार नहीं है, वो इकलौता है, अकेला है। गोपियों से बड़ा लंबा संवाद उद्धव जी का है और इस पर बोलने के लिए कम से कम महीनों का टाइम चाहिए, लेकिन अंत में मैं निवेदन करता हूं, उद्धव जी महाराज की सारी ज्ञान की जो पोटली थी वो गायब हो गई और उन्होंने कहा कि बंदे नंद प्रजा स्त्री पादरेणुमीक्षण सा या साम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। मैं वंदना करता हूं, मैं भगवान गोपियों की वंदना करने लायक नहीं हूं, इन ब्रज बाबाओं के चरणों में जो धूली लगी है मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। बंदी नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अविक्षणसा। श्री उद्धव जी महाराज उन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिकाओं से मिलकर के अब ज्ञान और प्रेम का संयोग हो गया। उद्धव जी 6 महीने बाद लौट करके आए भगवान के पास और भगवान को उद्धव जी बिगड़ गए, कहा तुम बड़े कठोर हो कन्हैया, अरे वो सब बेचारी इतना परेशान है, एक बार तो लौट करके तुम्हें उनके पास जाना था, जाना चाहिए। भगवान कहते मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उद्धव जी मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनुषागतः। ये सब मेरी अंतरात्मा में विराजमान है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमसे अलग कोई नहीं है, देखो ये तो मैंने आपको इसलिए भेजा था कि आपकी भी थोड़ी सी आंखें खुल जाए। इस उद्धव जी महाराज भगवान के एक ऐसे भक्त जिनमें ज्ञान और प्रेम दोनों बराबर मात्रा में है। आइए थोड़ा भगवत स्मरण के साथ अगले कड़ी पर चलते हैं। भोले भक्त वत्सल भगवान की, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में
स्वामी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान ने जब कंस का उद्धार किया तो कंस के दो पत्नी थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। वह अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण पर 18 बार संग्राम करूंगा 23-23 अक्षुणी सेना लेकर। जब 17 बार उसने संग्राम किया और हार गया बेचारा, और 18वीं बार जानते हो क्या किया? 18वीं बार जरासंध ने 1008 पंडितों को पकड़ करके बैठा दिया माला जप करने के लिए, और पंडितों से कहा इतनी अच्छी पूजा करो कि अब की हम कृष्ण से ना हारे, अगर जीत गए तो इतना धन दे देंगे कि ये सब पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर हम हार गए तो तुमको मार भी डालेंगे सारे पंडितों को। भगवान को घेरा 18वीं बार यवनों की सेना लेकर के। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया मुचकुंद को और प्रवरसल पर्वत से कूदे महाराज, समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करा करके भगवान चले गए द्वारिकापुरी में। और मुचकुंद की जब आंखें खुली तो जरासंध की सेना ध्वस्त हो गई और भगवान रण छोड़ दिए। रण छोड़ करके भगवान भग गए वहां से, और रण भगवान ने इसलिए छोड़ा कि ना जरासंध हारे और ना जरासंध जीते, अगर ये हार जाएगा तो ब्राह्मणों पर दिक्कत है, उन ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने रण को छोड़ दिया। तब से उनका एक नाम और है रणछोड़ भगवान। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। इसी गुजरात प्रांत में बड़ौदा के पास डाकोर में ठाकुर जी रणछोड़ भगवान जब रण छोड़ करके आए थे तो वही खड़े हुए थे। कभी जाना, आप लोग भाग्यशाली हैं, दर्शन कर लेना उनका। भगवान ने रण को छोड़ दिया परीक्षित, उसका 18 बार संग्राम भी पूरा हो गया। अब भगवान द्वारिका में निवास करते हैं। आनर्थ देश के राजा थे महाराज रैवत, और रैवत के पुत्र का नाम था, पुत्री का नाम था रेवती। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुताम, आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीम सुताम। आनर्त देश के राजा महाराज रेवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। जैसे इतना कहा तैसे श्री परीक्षित जी महाराज सवाल कर दिए, राजूआ महाराज जी भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेमि इति श्रुतम। क्या महाराज, क्या भावपूर्ण श्लोक है। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के उन चरित्र को सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को उठा करके लाए महाराज। राक्षसेन विधानेन उपयेमि इति श्रुतम। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान रुक्मणी को उठा करके लाए, उसके बाद विवाह किया। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य अमित तेजसः यथा मागध साल्वादीन जीत्वाम कन्या उपहार। जो महाराज शिष्यपाल और जरासंध दंतवक्र के रहते रहते, रुक्मी के रहते रहते भगवान कैसे उठा लाए रुक्मणी को, मुझे ये कथा सुनाओ। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित जी,
राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भा अधिपतिर महान। एक विदर्भ देश के राजा थे महाराज, राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भा अधिपतिर महान। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यै एका च बरानना। महाराज भीष्मक के पांच पांच पुत्र पैदा हुए और एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया रुक्मणी। अरे भैया ये रुक्मणी राक्षस की बेटी नहीं है, ये साक्षात परात्परा लक्ष्मी है। लक्ष्मी और लक्ष्मी का कभी किसी के साथ विवाह नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का अगर विवाह हो सकता है तो सिर्फ नारायण के साथ हो सकता है। इस संसार में लक्ष्मी तीन प्रकार की है, एक लक्ष्मी, एक महालक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। ये साक्षात महालक्ष्मी है सरस्वती महाराज। महाराज भागवत में तो नहीं लेकिन अन्य पुराणों का मत है कि जब भीष्मक के पांच बेटे हो गए तो उन्होंने लक्ष्मी की आराधना की। जब लक्ष्मी प्रकट हुई कहा क्या चाहते हो, कहा आप जैसी पुत्री, तो लक्ष्मी पुत्री बनकर के लेट गई, उन्हीं को उठा लाए महाराज भीष्मक। लक्ष्मी जी प्रकट होकर के आई है। रुक्मणी जब 5 साल की थी तो महात्मा नारद जी ने जब रुक्मणी जी को देखा तो बता दिया कि इस लड़की का विवाह गोविंद के साथ होना है, कृष्ण के साथ। और 5 साल की अवस्था में रुक्मणी ने गोविंद को अपना पति मान लिया और वो सेवा कर रही है, भगवान शंकर की पूजा कर रही है। इस संसार में जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके मन में यह भावना हो कि हमें घर परिवार अच्छा मिले, उनको अपने जीवन में शिव जी की आराधना बाल्यकाल में जरूर करना चाहिए। महारानी रुक्मणी जी भगवान शिव की मंगलमय आराधना करती हैं। आइए थोड़ा भगवान शिव जी का हम लोग स्मरण करते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले कड़ी पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। काशी के बाबा विश्वनाथ मंगलम। काशी के बाबा विश्वनाथ मंगलम।
बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की जय, प्रभास के बाबा सोमनाथ की जय।